आप इस कोरोना वायरस से ग्रसित है और आप सभी लोग जानते हैं कि यह रोग नहीं एक महामारी का रूप धारण कर लिया है और हम लोग चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद न हो और आप लोगों के लिए ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था किए हैं जिसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और समय निकाल कर आप लोग इसका सदुपयोग करें और जहां आपको समझ में ना आए अपने उस शिक्षक से मदद लें। हम वर्ग 10 भौतिकी का प्रथम अध्याय प्रकाश के प्रावर्तन में आप लोगों को कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस हो तो आप निर्धारित व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट करें और उस समस्या का समाधान करें। पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का प्रावर्तन। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश है क्या, आखिर प्रकाश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो ये नीचे कक्षाओं से ही बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से जब प्रवर्तित होकर हमारी आंखों के पास पहुंचता है तो हमारी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है और तब हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अर्थात हम उसे इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। फिर प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत प्रकृति में बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे क्या होता है कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है। कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं, कुछ कृत्रिम है जिसे हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। प्रकाश स्रोत वह कारक जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है यानी कि प्रकाश निकलता है उसे ही हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे एक प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है कि जो प्रकृति में मौजूद है और जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है जो आप एक छोटे चीजे के रूप में रात में देखते होंगे, ये सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मानव निर्मित हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, लालटेन है, लैंप है, बिजली का जलता हुआ बल्ब है, मोमबत्ती इत्यादि से भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। पुनः हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जो कभी प्रकाश का उत्सर्जन करता ही नहीं उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे मेरे हाथों में ये जो चक है, ब्लैक बोर्ड है, इससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, अतः ब्लैक बोर्ड और यह चक क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। धन्यवाद।